सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का। और आर्क मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने फाइनली हमारी जो पेगासस आर्मी है ना गाइस, वो कंप्लीट कर ली थी। हमारे पास मिथिक स्टार जुई, मिथिक स्टार या और भाई ये भाई मिथिक इंप्रर भाई जो भी है, वाइट इंप्रर जो है ना गाइस, ये तीनों के तीनों जो मिथिक वाले पेगासस होते हैं वो आ चुके हैं। और हमारी पेगासस आर्मी जो है ना गाइस वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज के एपिसोड में हम जाके यहाँ पे एक खतरनाक ओबी से जो ना गाइस मैंटीकोर को टेम करने वाले हैं। लेकिन 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 गाइस आज का एपिसोड यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है इसी खतरनाक खतरनाक सी वीडियोस बनाने के लिए। तो याद से गाइस जरूर से भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले भाई लोग खतरों से भरा हुआ हमारा एडवेंचर बिना किसी देरी के शुरू कर डालते और फुल टू तबाही मजा दे देना मेरे भाई लोग। पहले ये जो हमारे मिथिक वाले स्टार हुई स्टार या और ये भाई ड्रैगन इंप्रिंट जो भी है भाई, उसको भाई यहाँ पे क्रैपोर्ड कर लेते हैं। और अपन जाके जो ना गाइस ट्रांसमीटर पे चेकआउट कर लेते कि मैंटीकोर जो ना गाइस उसकी लोकेशन कहाँ पे। मैंने एक्चुअली में पिछले एपिसोड में भी भाई यहाँ पे चेकआउट करा था, बट ये देखो मेरे को ये मिथिक मैंटीकोर इंप्रिंट चाहिए यार, लेकिन ये है ही नहीं यहाँ पे। या फिर मिथिक मैंटीकोर वारलॉर्ड वारलॉर्ड जो भी है भाई ये चाहिए यार, इन दोनों में से एक चाहिए, वो मेरे को मिल ही ना रही है। यहाँ पे तो ट्राइब ब्राउन ट्राइब मैंटिस नहीं चाहिए मेरे को ये मैंटीकोर भाई टेम करना पड़ेगा। अभी ये मिथिकल मैंटीकोर है नॉर्मल मैंटीकोर ये मेरे को बता नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन जो ना गाइस मैंने ले ली है यहाँ पे। और इसके लिए जो ना गाइस इसको टेम करने के लिए मेरे को पीटी भाई, अब पीटी कहाँ पे ओरा होगा नाम देख, हाँ भाई ये वाला चाहिए मेरे को। और अपन को वहाँ पे पहुँचने के लिए चाहिए होगा ग्रिफिन है भाई, ठीक है ग्रिफिन भाई 300 स्पीड वाला ग्रिफिन चाहिए मेरे को। ये कितनी स्पीड वाला है भाई अभी यार, 499 लेवल का है यार ये, इसकी तो भाई लेवल अप भी ना हुई अभी तक, 88 लेवल अप आई है क्या इसकी। ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ फिर इसकी भाई, अबे मिली डैमेज नहीं मूवमेंट स्पीड में पॉइंट डालने भाई, मूवमेंट स्पीड एकदम दबा के बढ़ा देता हूँ भाई इसकी, 400-500 मूवमेंट स्पीड कर दूंगा भाई। ठीक है चलो भाई इसको नाम भी दे देते ना गाइस, कुछ स्पीड ही नाम दे दे क्या भाई, रुक जाओ इसका इसका नामकरण अगले एपिसोड में करूँगा। वीडियो के नीचे कमेंट में भाई नाम अगर किसी ने सजेस्ट करे होंगे तो वो पढ़ के भाई, ठीक है आ जाओ चलो। अभी जो ना एकदम फुल टू स्पीड में अपन भगेंगे। अभी अपन ने अभी तक इसको टेम ना करा रहा, इसको टेम करना लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है यार, उतना ज़्यादा आसान नहीं है जिसको टेम करना भाई। ठीक है चलो आ जाओ, मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है बट एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ पे भाई। ठीक है 6649 भाई मेरे को दिखा था कि डेजर्ट साइड में कहीं भी भाई वो लोकेशन है 6649। एक्चुअली मैं सही उड़ रहा हूँ, मेरे को इसी डायरेक्शन में उड़ते रहना है भाई, ठीक है। और मैं पहुँच जाऊँगा अपने मैंटीकोर के पास। और यहाँ पे जो ना गाइस वो मैंटीकोर भाई अपन को पता नहीं है कि नॉकआउट टेम है या पैसिव टेम है, इतना मेरे को पता है कि ये आई थिंक मिथिक वाला मैंटीकोर नहीं है भाई, ठीक है ये मिथिक वाला मैंटीकोर नहीं है। तो इसको जो ना गाइस अपन एरो से या फिर अपना जो ना पीटी है ना पीटी से टेम करेंगे। चलो भाई अगर उसका जो है ना हेल्थ अगर ज़्यादा होगा ना तो अपन पीटी से टेम करेंगे, अगर कम होगा तो अपन भाई एरो का इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है ऑल राइट 6649 ये मैं आगे चला आया। एक मिनट जस्ट पैगला चालू कर ले 6649 और 55 है भाई 66 कहाँ पे इस तरह, हाँ इस तरह पे भाई। ओ ये रहा, अबे ये तो नॉर्मल वाला है यार 10 मिलियन डॉलर पर ऊपर से, और इसको टेम करने के लिए बस सैडल लगाना है। अबे मैंटीकोर का सैडल तो मेरे पास नहीं है भाई, ये वल्चर कौन स्पॉन कर रहा है। बेटा कौन बेटा, मस्त दिन है मैंटीकोर वाह मैंटीकोर, एक मिनट रुक जाओ एक काम कर लेता मैंटीकोर बेटा चलना कलाना ना कलाना बेटा कल बाय, मेरे को कुछ ना कर पाएगा रे। ओके ठीक है डायरेक्टली मार दिया भाई, मेरे को लगा कुछ कर नहीं पाएगा भाई, पीटी बना डाली ऑन दिस बोर्ड में भाई, अभी पीटी को बाहर निकाल रहा था बस भाई। भाई मैंटीकोर मेरे को नॉर्मल वाला मैंटीकोर तो नहीं लग रहा गाइस, क्योंकि नॉर्मल वाला मैंटीकोर मेरे को जो ना मार नहीं पाता भाई, जो मैंने आर्मर पहना है ना गाइस वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, उस आर्मर के रहते नॉर्मल वाले मैंटीकोर को मेरे को मार पाना ना भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसने तो एक फटके में डायरेक्टली भगवान के पास पहुँचा डाला भाई, ठीक है चलो कोई ना
ये कौन है भाई? अपना हामिदी ग्रिफिन है और ये पॉइजन ऑरा है भाई। ठीक है, आ जाओ आ जाओ भाई। और मिथिक ग्रिफिन को लेके जो ना गाइस, अबे बैठना भाई, इस गया बैठना बैठना, चला आ जा भाई, आ जा भाई, मेरे को पहुंचा दे वापस से वहां पे। पीटी को निकाल के पॉइजन वाला अटैक दे देगा ना, इसकी हवा टाइट है ना कर देना, तो बोल देना मेरे को भाई। ठीक है भाई, लेट्स गो भाई। यहाँ पे जो ना गाइस, मेरे को काफी ज्यादा उड़ने वाले ट्रॉफिक एंटस दिखाई दे रहे यार, इनको भी टेम करना है मेरे को, बट ये टेम अभी अपन नहीं कर पाएंगे यार। ठीक है, चला जा बेटा आराम से आराम से। बेस गज सबके बैंड बजा के रख दूंगा वहां पे भाई। वहाँ पे वैसे भाई कुछ ट्राइब्स मैन भी थे उस मैंटिकोर के साथ, जो अपन को उसके टेमिंग में दिक्कत दे सकते हैं। बट ये मैंटिकोर का सैडल कहाँ से लेके आओ ये मेरे को पता नहीं। उसको तो नॉकआउट कर लूँ मैं, बट उसका सैडल कहाँ से लेके आओ ये मेरे को समझ ना आ रहा। ठीक है, रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। अपन को चेप डाला एक ही बार चेप आए, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का भाई। इसी पहाड़ी पे था कहीं पे। ठीक है, आ जा बेटा, मैं दिखा रहा, चल। हाँ, ये रहा मैंटिकोर। कौन पे मैंटिकोर? वहाँ वो ज़्यादा ही उड़ रहे थे ना, ससुर का नाती। अबे क्या अपने बाप रे, ओरी मैया ओरी मैया। ओके 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 ओके, चलो भाई बाबा भाई, आग लगा दी आग लगा दी। अबे इसका टॉर्पो डायरेक्ट उतर गया, ये कोई नॉर्मल आम मैंटिकोर ना लग रहा यार मेरे को भाई, आम मैंटिकोर नहीं लग रहा मेरे को यार। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा बेटा, गल्टी गोली बेटा, गल्टी मार सीधा सीधा गल्टी मार। अबे भगना मैंटिकोर के बच्चे बेटा, तू चार जन्म में भी मेरे को पकड़ ना पाएगा। अबे यार स्टैमिना खत्म भाई, गलत टाइम पे स्टैमिना खत्म हो गया भाई। अबे 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 बाय 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 बाय। एक काम कर, घर पे टेलीपोर्ट मार ले, घर पे टेलीपोर्ट मार ले भाई। ये क्या टोर्नेडो आ गया क्या? बाप रे भाई, वुल्जर का ऐसा टोर्नेडो आ गया था भाई। सारे वुल्जर मेरे आजू बाजू ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहे थे भाई। क्या क्या भाई, आप भी डिगर कर देता भाई। ग्रिफिन चल बेटा, आर्म ग्रिफिन जो ना गाइस, वो भी काफी ज्यादा तगड़ा वाला टॉर्पर देता है। पता है आपको, पता है आपको जो टॉर्पर वाला अटैक कौन सा होता है ये मेरे को बतानी है। वाइट अटैक है या भाई कौन सा वाला अटैक है ये मेरे को बतानी है। बट ये भी भाई काफी तगड़ा वाला टॉर्पर देता है भाई। अब भी सिखा, अब भी इसको सबक सिखाएगा हमें। रुक जाओ भाई, इसके बेच गया, रुक जाओ भाई, इसकी बैंड तो मई बजाएगा भाई, खत्म भाई। बोल दिया ना भाई कि इसकी बैंड बज रही, मतलब बज रही है भाई। अबे यार मारना दे कहीं पे, अबे इतना का टाइम लग रहा है, अबे जल्दी कर, कल सुबह फोन पर निकलना है। हाँ ठीक है भाई, रुक रुक जा, रुक रुक रुक, ये वाला नहीं है भाई। इस क्या 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 10 मिलियन टॉर्पोर। अबे ए ए ए ए ए भाई, ए ए ए, इतना जल्दी कैसे उतर रहा है टॉर्पोर, इतना जल्दी कैसे उतर रहा है भाई। इस क्या रुक, तेरे को तो नारकोडी खिलाऊंगा भाई, नारकोडी खिलाऊंगा, रुक 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 रुक, नारकोडी खेले बेटा। टॉर्पोर इतने जल्दी उतारते हैं, टॉर्पोर इतने जल्दी उतारते हैं, क्या डालू तेरे अंदर? मैंटिकोर का सैडल बोले, अब मैंटिकोर का सैडल कहाँ से लगाऊँ मैं? मिथिक मैंटिकोर पॉइजन, अबे मैंटिकोर का सैडल कहाँ पे भाई? ये समझ ना आ रहा कि मैंटिकोर का सैडल कहाँ से लेके आए, क्योंकि ये तो अपने पास बनता ही नहीं है, हैं? ये बनता ही नहीं है गाइस सैडल। वेट अ मिनट भाई, सैडल का जुगाड़ अपन कर लेंगे भाई, सैडल का जुगाड़ कर लेंगे। मैंटिकोर ने कुछ ज़्यादा अपन को सताया भाई, ठीक है, सैडल का जुगाड़ तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई सीन नहीं भाई। रुक जाओ भाई, इसके पहले इसको भाई मेरे को ब्लैक बेरी खिलानी पड़ेगी, ताकि ये भाई यहाँ पे उठ ना पाए। अगर एक बार ही उठ गया ना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी भाई। और मैंटिकोर अपने वल्चर स्पॉन कर सकता है, वल्चर, इसके मिनियन वल्चर है भाई, मजाक कर रहे हो क्या? ये ले बेटा, भर के ब्लैक बेरी खिला के रखूंगा। चार जन्म तक भेज गया कि मैंटिकोर यहाँ से उठना नहीं चाहिए। ए ए धोंडू गोल बेटा, मस्ती नहीं रे बाबा। हाँ बस बस बस, रुक जा रुक जा रुक जा, कौन हो रहे? भागा भाई, भैया भागो 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 भाई, इसके भाग, लाड में आ रहा है भाई। ठीक है, रुक जाओ, रुको गाइस, रुको जरा, सबर करो, अब भी आता मैं, अब भी आता गाइस। यहाँ पे मैंटिकोर के सैडल का जुगाड़ जो है ना गाइस, हो चुका है, क्योंकि मैंटिकोर का सैडल यहाँ पे बनता नहीं है। मे भी अपन किसी बॉस बीस को मारे ना, तभी अपन को सैडल मिलता है, लेकिन अपन ने जुगाड़ कर लिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो इसके ऊपर डालेंगे और टडा, क्यों मेरे बच्ची कैसा है, हाँ क्या हुआ, बेहोश हो गया क्या? बस क्या गुंडा बनेगा यार तू, हैं? ले बेटा खा ले, खा ले भाई, चल, डरते क्या भाई, डरते क्या भाई गाइज। ले बेटे, ले बेटे, मैंटिकोर को टेम कर रहा, मैंटिकोर को भाई, मजाक हो रहा है क्या गाइज? अरे भाई भाई भाई, अच्छा इसके अंदर हीलिंग पोशन डाले थे ना मैंने, अभी सारे हीलिंग पोशन खा गया क्या ये? अभी बाप रे, तो सारे हीलिंग पोशन खा गया भाई। और एफएमके वाला भाई, हीलिंग पोशन बनाने के लिए अभी मेरे पास वो भी नहीं है यार, मेटल भी नहीं है।
ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात है, हमारे मैडिकर को देखो भाई, इसकी आंखें देखो भाई, पर्पल कलर की इसकी आंखें कुछ ज्यादा खतरनाक भी लग रही है। इसके पास वाइट अटैक है, लेफ्ट लिप पे, अरे बाप रे, पॉइजन स्पेयर, ये कुछ ज्यादा है भाई, पॉइजन स्पेयर लग रहे मेरे को। सी पे ओके, डंक डंक डस डसने वाला अटैक है, डस देगा भाई, ठीक है। और एक्स पे अपने मिनियन बुलाएगा भाई, ओए हाय, वल्चर मिनियन बुलाता है भाई अपने, खतरनाक। और कुछ अटैक है कोई ना भाई, और कोई अटैक नहीं है भाई, एक बाइट अटैक भाई, गाइस खतरनाक भाई, खतरनाक मैंटिकोर अपन ने टेम कर लिया है भाई। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को इसको हीलिंग पोशन विशन खिला के मैक्स लेवल करना पड़ेगा, रुको अपन फटाक से गाइस घर पे टेलीपोर्ट मार देते हैं। एंड यहाँ पे जो है ना गाइज, मेरे को घर पे जाके सबसे पहले हीलिंग वाले पोशन बनाने, एंड हीलिंग पोशन से जो है ना गाइज, मैं यहाँ पे, अबे मेरे मिनियन भी साथ में आ गए भाई, ये कुछ अलग चीज है भाई, मेरे मिनियन भी मेरे साथ आ गए गाइज, अच्छी बात है। चलो ये ले बेटा हीलिंग पोशन बना डाले सो, हाँ भाई, अरे यार मेरे पास पहले से पड़े हुए थे शायद, ठीक है चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है तो गाइज, ये रहा हमारा खतरनाक एंड ओपी सा मैंटिकोर गाइज, ठीक है, देख रहे हो गाइज, देख रहे हो, ये आई थिंक मिथिकल नहीं है, आई थिंक अपना कौन सा एक्सटेंशन कोर मॉड है ना गाइज, वो वाला मैंटिकोर है गाइज, ठीक है, ये अपना जो ना मिथिकल वाला मैंटिकोर नहीं, इतना तो बोल सकता हूँ, क्योंकि मिथिकल वाले मैंटिकोर इससे भाई 100 गुना ज्यादा पावरफुल एंड ओपी होते हैं भाई, ठीक है, ये तो अपना भाई एक्सटेंशन कोर वाला मैंटिकोर लग रहा है मेरे को। और अभी जो ना गाइज, मेरे को इसको फटाफट से लेवल अप करना है भाई, ठीक है, वो इसका भी ऑटो हीलिंग है क्या, इसका भी ऑटो हीलिंग है, मेरे को इसको हीलिंग पोजन खिलाने की जरूरत नहीं है गाइज, ये ऑटोमेटिकली अपने आपको भाई यहाँ पे हील कर सकता है भाई, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। चल बेटा आजा आजा बेटा आजा भाई, गाइज इसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, हाय जब ये चिल्लाता ना, ये देखो चिल्लाने वाला लुक देखो, हाँ ये देखो ये देखो, ये वाला नहीं, ये वाला, ओ यस, तब भाई ये भाई काफी ओपी लगता है। और कितने मिनट बुला सकता, वो चार या पांच ही वल्चर बुला सकता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक मिनट तक रहते हैं भाई, एक मिनट तक, अरे यार इससे पंखा नहीं लेना भाई, ये मेरे को भाई पहली फुर्सत, अबे इससे भी पंखा नहीं लेना भाई, ये दोनों मेरे को पहली फुर्सत में पेल देंगे भाई, अबे इससे भी पंखा नहीं लेना, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे भाई, हैं हर तरफ बस ये बड़े बड़े कछुए भाई घूम रहे हैं भाई, अगर इनको टच भी कराना तो मेरे को और मेरे मैंडिकोर को ऐसे खा जाएंगे भाई, ये ले बेटा बाइट अटैक, अरे क्या 3000 का डैमेज भाई, तुम मैंडिकोर ही है ना, है तुम मैंडिकोर ही है ना बेटा, पॉइजन अटैक देगा, बाप रे पॉइजन वाले डार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं यार मेरे को, पॉइजन वाले डार्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, कितना पॉइजन देके, रुक जाओ मेरे को देखने दो भाई, अबे यार इस कछुए को पॉइजन देना है भाई, अबे यार खुद को पॉइजन ना दे दो यार अभी, हाँ भाई कितना पॉइजन दे रहा, अब बेहोश डायरेक्टली भाई, सीधा बेहोश भाई, ये अपना पॉइजन वाला अटैक काफी ज्यादा तगड़ा जाएगा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बाबा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अपना जो पॉइजन अटैक है ना गाइस, ये काफी ज्यादा तगड़ा वाले जाड़े वाले, मैं किसी को भी यहाँ पे बेहोश कर सकता हूँ शायद भाई, ठीक है वेट अ मिनट, मेरे को तूने तो हाई टॉर्पोर देने वाला, मतलब जिसका हाई टॉर्पोर वो ऐसा डायनो भाई, ठीक है, और गाइस इसका डैमेज बहुत घटिया है गाइस, पहले बता देता हूँ इसका डैमेज उतना ज्यादा नहीं जाने वाला, अबे ये फ्यूनिक्स को टेम ना कराना इसको, अगले एपिसोड में फ्यूनिक्स टेम, टेम बाय टेम लिख के ले लो, अबे नॉकआउट टेम क्या, इसको नॉकआउट टेम कैसे करूं भाई, इसको नॉकआउट टेम करना इम्पॉसिबल है, अपन को क्या करना है बताया क्या गाइस, अबे कौन है भाई, हेलो क्या पानी में, अबे पानी में मचा रहे हो तुम भाई, रुक जाओ मचाएंगे, ये ले बेटा मेरे पॉइजन से बच के दिखाओ भाई, पानी में हर तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैला डालूंगा भाई, हर तरफ पानी में पॉइजन ही पॉइजन होगा भाई, देखता हूँ ट्राइब्समैन भाई मेरे पॉइजन से कैसे बच पाते हैं भाई, ये ले बेटा मर गए क्या लुंडे, मर गए क्या भाई, मैक्सिमम इनके डायनोस गाइस यहाँ पे मर चुके हैं भाई, ठीक है, और ये ट्राइब्समैन तो मर चुके हैं और इनके डायनोस भी मर चुके हैं, खत्म खत्म भाई, और कोई बचाए क्या, और बचाए कोई, सबकी पेटी भाई अपन ने पॉइजन अटैक से बनाई यार, वो जो भाई रेड वाला फ्यूनिक्स देखा था गाइस, उसको टेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताया क्या, उसके नजदीक जाके उसकी एक्सेस इन्वेंटरी करनी पड़ेगी, जो कि भाई एक तरह से इम्पॉसिबल है भाई, इसको उंगली करे क्या, अरे नहीं इसको उंगली करो भाई मेरे को डायरेक्टली भगवान के पास पहुंचा डालेगा भाई, फिर भी देखता हूँ, अबे भाई वो 4 किलोमीटर दूर था भाई, कैसे भाई ये कैसे हुआ भाई साहब, बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारे मिलके पागल बना रहे हमको भाई, गाइस अबे जाना मक वक्त जिए जी, मक मार दूंगा भेज क्या एलिगेटर के बच्चे, बिक गए गवर्नमेंट गाइस, सारे मिलके पागल बना रहे गाइस हमको, आ जा तू भाई,
यार मेरे को क्या चुल मची थी मैंने भाई, इतने दूर से तो पॉइजन अटैक डाला था मेरा भाई, 4 किलोमीटर दूर से डाला। अरे कहाँ चला बेटा, बस 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 नहीं मारने जाना, रुक जा भाई। गाइज क्या बताओ भाई यार, भाई ये चूल मेरी ना मेरे डायनोस को मरवा के रहेगी। लकीली यहाँ पे हाँ थोड़ा लो लेवल का है, बट जैसा भी है भाई चल जाएगा अपना काम। ठीक है आ जाओ, चलो आ जाओ। 56 51 पे जाना है अभी अपन को भाई। मिथिक आर्म ग्रिफिन आ जाओ बेटा, मिथिक आर्म ग्रिफिन बेटा, इधर इसके मिली डैमेज में थोड़े से पॉइंट डाल रखे थे मैंने यार। ठीक है, इसके मिली डैमेज में ज़्यादा पॉइंट नहीं डालने थे। डैमेज कितना जा रहा है वैसे वो आर्म ग्रिफिन का भाई? मेरे को नहीं लग रहा उतना ज़्यादा वो होगा भाई डैमेज। भाई 1 लाख जा रहा है यार, 1 लाख तो बेचारे का हेल्थ भी ना होगा। रुक जाओ बेटा, भाई ग्रिफिन दे दो एकदम ताज़ा ग्रिफिन भाई, 499 लेवल का। 499 लेवल का नहीं है क्या कोई? हाँ ये रहा, रुक जाओ। इसके भाई सारे पॉइंट जो ना इसमें डाल दूंगा अभी मूवमेंट स्पीड में भाई, सारे पॉइंट मूवमेंट। अबे यार बैठना भाई इसके आग, चला जा भाई। मिली डैमेज नहीं मूवमेंट स्पीड भाई। ठीक है, सारे पॉइंट इसके मूवमेंट स्पीड में डाल रहा हूँ। इसका डैमेज जितना भी जाएगा मेरे को बताने कितना जाएगा वैसे, बट जितना भी जाएगा सही रहेगा भाई। छी यार गाइस बहुत बुरा लग रहा है भाई, मैंटीकोर भाई 1 शॉट किल, मैं कुछ करा भी नहीं था यार जाके। वो मैंने भाई 4 किलोमीटर दूर जो पॉइजन वाला अटैक करा था उसको भाई, फिर भी मार दिया भाई इसके आग। वो इज्जत विज्जत देगी नहीं यार, हैं मैं आप इनसे उंगली ना करूँगा यार। छी भाई यार तो दिल से बुरा लगता है भाई। अरे इसको ना मार देना भाई, ये उल्टा मेरे को मेरे ग्रिफिन को पेल डालेगा अभी, भगने दो मेरे को भाई। गलती से अगर वो कछुए बिछू को लग जाएगा तो भाई बैठ बच जाएगी। कहाँ पे 56 51 भाई, कहाँ पे लोकेशन है ये? 56 51 आई थिंक थोड़ा सा आगे है। अब 56 और 51, हाँ ठीक है भाई, ये इधर है इस तरह पे कहीं पे। चल आ जा भाई। यार भाई क्यों होता है कैसे अपने साथ ऐसा? कोई ना, चलो आ जाऊँ। 56 51 भाई, चला जा बेटा। 56 था पर 66 51 था ये मेरे को पता नहीं, लेकिन देखते चलो 56 51 पे देखते पहले कि अपन को कोई मैंटिकोर का दिखता है कि नहीं भाई। भाई हाँ भाई 56 था भाई, मैंटिकोर तो नहीं दिखा यहाँ पे, कोई और है। जैकी चैन कौन है वहाँ भाई? ये जैकी चैन गया भाड़ में, मेरे को ये भाई अतरंगी वाला मैंटिकोर चाहिए भाई। हाँ नॉकआउट हो जा बेटा। हाँ भाई शाबाश, नॉकआउट हो जा। हाँ वेल डन वेल डन। और कुछ नहीं चाहिए बेटा मेरे को। अबे ऊपर बैठना, उठने के बाद बैठेगा क्या ग्रिफिन के बच्चे? अबे गेम का लैग हो रहा है इतना ज़्यादा इधर। अबे भाई 400-500 डायनोज एक साथ अबे स्पॉन हो गए क्या? अबे यार अबे जल्दी अरे स्पॉन। हाँ नाइस, ये ले बेटा। पता नहीं यहाँ पे लैग क्यों हो रहा है, आई थिंक मैं पहली बार इस लोकेशन पे आया हूँ इसलिए भाई। ये ले बेटा पहन ले, चल डन 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 डन। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ओपी है बट लेवल बहुत ज़्यादा घटिया है भाई, लेवल बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एक्सेस इन्वेंटरी बेहोश हो गया भाई वापस से बेहोश हो गया। और इसके अंदर वापस से मेरा वो हीलिंग पोशन नहीं सारा डालूंगा मैं, एक हीलिंग पोशन डालूंगा चुपचाप भाई। वापस से खड़ा हो गया भाई ये। ठीक है गाइज, तो ये रहा गाइज अपना नया मैंटिकोर। कौन है भाई? ये बॉस है ना भाई, इसे अभी ना पंगा लेगा भाई। और मैंटिकोर के ऊपर बैठ के तो मैं बिल्कुल किसी से पंगा नहीं लूंगा। वैसे ये वाला मैंटिकोर जो ना इसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी है भाई। इसका कलर जो ना इसमें मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, बट सीन ये है कि इसकी लेवल जो ना जो काफी ज्यादा कम है। लेकिन कोई ना, चलो भाई जैसा भाई अपना भाई नया वाला मैंटिकोर है और इसी को अभी अपन को चलाना है भाई, क्योंकि हाई लेवल का मैंटिकोर तो अपन ने मरवा दिया भाई। ठीक है तो चलो गाइस एक काम कर लेते हैं, इससे मैं ज्यादा उंगली नहीं किसी को करूंगा, बस इसका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पावर तो आपने देखी ली होगी पहले ही, तो आपको ये मैंटिकोर जो ना वो कैसे लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिल देगा सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के गाइस, आर्क मिथिकल वर्ल्ड के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में ना मेरे भाई लोग, बाय बाय सी यू लेटर। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.